और हैंगमैन आपको आंसर uh, करने में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हैंगमैन का आंसर आपके पास नहीं है हैंगमैन का आंसर आपके क्लाइंट के पास है अगर क्लाइंट कोई बिजनेस के ऊपर वर्क कर रहा है और क्लाइंट को ये लगता है कि अरे मैंने तो पूरा होमवर्क कर डाला है इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट बिजनेस मार्केट में आते ही धमाल मचा देगा एंड ऑल राइट यानी कि क्लाइंट को क्या रख रहा है कि अगर मैं ये बिजनेस करूं देन आई विल बी रियली सक्सेसफुल लेकिन वो क्लाइंट आपके पास स्टैंप लेने आया और ये कार्ड आ जाता है क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो क्लाइंट को क्या क्लाइंट तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा ना तो आंसर चाहिए ना क्लाइंट को लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा रोल प्ले करना पड़ जाता है सपोज बिजनेस की ही बात है तो अब बिजनेस के लिए अगर क्लाइंट ने कुछ भी एक्स वाई जेड बिजनेस की बात करी तो आप उसी बिजनेस से रिलेटेड और डेप्थ में जाके दो तीन और नॉलेज लेने के लिए क्वेश्चन पूछ लो अच्छा सर क्या प्रोडक्ट है ये ओके हम्म सो ये मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है और वो बोल रहा है कि यस YES, मैम इसकी तो मोनोपली है अभी तक तो नेक्स्ट सिक्स मंथ तक कोई इसको लॉन्च भी नहीं कर पाएगा